आपके साथ तन्वी सूद, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज आप सोच रहे होंगे आखिर मैं साड़ी पहनकर क्यों आई हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है जिसका नाम है #साड़ी ट्विटर। और मैंने सोचा क्यों नहीं इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाए और आपको इस बारे में बताया जाए, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। साड़ी एक ऐसा आउटफिट है जो कभी भी ऑफ ट्रेंड नहीं होता, देसी लुक हो या फिर ग्लैमरस लुक, साड़ी हर एक महिला के लिए एक अच्छा ऑप्शन ही साबित होता है। वहीं आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जिसका नाम है #साड़ी ट्विटर, जिसमें कई महिलाएं अपनी पसंद की साड़ी पहनकर पोज कर रही हैं और अपनी अपनी फोटोज ट्विटर पर शेयर कर रही हैं। वैसे आपको बता दें ये चैलेंज सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के जाने माने स्टार्स भी अपना रहे हैं। वहीं बॉलीवुड की हसीनाओं के साथ साथ जानी मानी पॉलिटिशियंस प्रियंका गांधी वाड्रा और नगमा ने भी इस ट्रेंड में हिस्सा लिया और अपनी फोटोज शेयर की। वहीं चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिर इस ट्रेंड की शुरुआत कहां से हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक आर्टिकल के बाद हुई है जिसमें साड़ी के इतिहास के बारे में बताया गया है। आपको बता दें दोस्तों, आर्टिकल में कहा गया है कि साल 2014 में बीजेपी की जीत के बाद से साड़ी को काफी प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी के चुनाव जीतने के बाद से बनारसी साड़ी बनाने वाले बुनकरों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया। यही वजह है कि इस आर्टिकल से लोग काफी नाराज हुए। लोगों का ऐसा मानना है कि इस आर्टिकल को बेहद खराब तरीके से लिखा गया है। इसी की वजह से ट्विटर पर #साड़ी ट्विटर का ट्रेंड शुरू हुआ। वैसे देखा जाए तो आज टाइम कितना ही मॉडर्न हो गया हो, लेकिन साड़ी एक ऐसा आउटफिट है जो महिलाओं को हमेशा ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दोस्तों आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही हटके स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।